फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। मेरठ मेडिकल थाना क्षेत्र में हापुड़ रोड पर संतोष हॉस्पिटल के पास AIMIM के पार्षद जुबैर अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे बाइक से वारदात को अंजाम देने आए थे। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पार्षद के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। दरअसल मेरठ के शास्त्री नगर स्थित संतोष हॉस्पिटल के पास पार्षद जुबैर अंसारी रहते हैं। जुबैर अंसारी शनिवार की सुबह घर पर ताला लगाकर कहीं जाने के लिए स्कॉर्पियो में सवार होने ही वाले थे कि हमलावरों ने गोलियां बरसाते हुए उनकी हत्या कर दी। पुलिस हत्या के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद मानकर चल रही है। SP सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि जुबैर के पास से देहरादून स्थित प्रॉपर्टी के कुछ कागजात मिले हैं। माना जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद में ही जुबैर की हत्या की गई है। मौके पर SSP प्रभाकर चौधरी भी पहुंच गए हैं। इस दौरान वहां पर मौजूद शाहनवाज ने यह जानकारी दी। घटाग्राम ये करीमनगर अंसार ब्लॉक के ये पार्षद है। मौके पे ये कहीं जाने के लिए सुबह आए थे, गाड़ी नहीं पार्क होती है इनकी। सुबह गाड़ी बाहर निकाल लेते, ये दो जने थे, एक राकेश मियां थे, एक ये थे। गाड़ी बाहर निकाल के ये ताला लगा रहे थे तो किसी ने गोली चलाई और तीन चार गोली तो एक बार में चलाई। फिर दोबारा वो वापस गया या देखा उसे क्या लगा तो दोबारा भी उनने गोली चलाई। तो दो लड़के थे वो बाइक पे इधर की तरफ खूब आ गए हैं, हापुड़ रोड की तरफ। हाँ, इनके मुंह पे डाटा बंधा हुआ था ये बताया गया है। बस देखो ये प्रॉपर्टी एक काम करते हैं, विवाद तो इनका कोई की से नहीं है लेकिन दुश्मन बहुत हो जाते हैं। ये MIM ये मेडिकल थाना क्षेत्र का मामला है। ये सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक मर्डर की सूचना थी बेसिकली, और यहाँ पे सारी पुलिस टीम आई है। जुबैर नाम है जो पार्षद हैं, वार्ड नंबर 80 से इनको गोली मारी गई है, डेथ हो गई है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, CCTV फुटेज भी कुछ मिले हुए हैं। जैसा परिवारजनों का मामला है कि ये प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए थे और कुछ लोगों के साथ विवाद की बात भी प्रकाश में आई है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, शीघ्र घटना का खुलासा किया जाएगा। नहीं जी, अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी शुरू हुई है, जो भी चीज़ें आएंगी वो बाद में तथ्य के रूप में इन्वेस्टिगेशन में शामिल की जाएंगी। पुलिस अगर कोई लापरवाही है तो इसकी भी जांच की जाएगी। फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। ये राजनीतिक मामले का मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह का, आप लोग ये पता कर सकते हैं, बट हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन इम्पोर्टेंट है। अभी जांच की जा रही है। अभी लोग बता रहे हैं कि दो लोग आए थे जिसमें मारने वाला एक था और एक कहीं दूर खड़ा था, ऐसी जानकारी मिली। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV।